नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है। मैं कुछ दिन पहले ही रिटायर हुआ हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार है। वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था। मैंने उसे MBA करने के लिए अमेरिका भेजा। पढ़ाई करने के बाद उसने शादी की और वहीं सेटल हो गया। 4 साल पहले जब उसको बेटा हुआ था, तब उससे मैं आखिरी बार मिला था। शादी के बाद तो मानो जैसे वो हमें भूल ही गया हो। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रहता है। वो मेरा और मेरी बीवी का पूरा ध्यान रखता है, टाइम पे दवाई देता है, पर वो मेरे बड़े बेटे जैसा होशियार नहीं है। किसी जॉब में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, इसलिए कई बार उसका खर्चा मुझे भी उठाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे, मेरा और मेरी बीवी का फिर ख्याल कौन रखता है? मेरा एक तीसरा बेटा भी है, जिसके बारे में मेरी बीवी को भी नहीं पता। आप मान लो अगर हर महीने मैं अपने दोनों बेटों की पढ़ाई और पॉकेट मनी पर 10,000 रुपया खर्चा करता था, तो इस तीसरे बेटे को सिर्फ 5,000 रुपया ही देता था। आज मेरा ये तीसरा बेटा ही मेरा पूरा ध्यान रखता है। ये कोई और नहीं, मेरा म्यूचुअल फंड SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैं पिछले 20 सालों से हर महीने 5,000 रुपया म्यूचुअल फंड SIP पर इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ और आज मेरी पूंजी है करीब 1.5 करोड़ रुपया। और इन पैसों के ऊपर मुझे कभी कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ा। आज हमारा बुढ़ापा आराम से कट रहा है। Mutual funds are subject to market risk. Please read the scheme related document carefully.